सीधा करेंगे, आंखें बंद करेंगे, गुरु स्तुति के साथ स्टार्ट, लंबा गहरा श्वास। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिद्धांत पद्धति, ये गोरक्षनाथ जी ने लिखी थी ग्रंथ। अभी तक हमने गोरक्षनाथ जी के कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? योग बीज, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, योग बीज। योग बीज तो हमारे तीन जो टेक्स्ट हैं उनमें गोरक्षनाथ जी ने ये लिखे हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। तो जो सिद्धांत पद्धति है इसमें सृष्टि की जो रचना है उसके बारे में बताया गया कि हम कैसे उत्पन्न होते हैं, उस चीज के लिए यहाँ पर बताया गया सृष्टि की जो रचना है वे किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रचयिता की, इसके जो रचयिता हैं। इसके जो रचयिता हैं वो गोरक्षनाथ जी हैं। समय इसका 10वीं से 11वीं शताब्दी यहाँ पर बताया गया है। इसमें कुल अध्याय 6 बताए गए, अध्याय इसमें 6 संख्या है। इसमें इनके नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले अध्याय का नाम है पिंडोत्पत्ति, पिंड, सेकंड है पिंड विचार, थर्ड है पिंड संवित, फोर्थ है पिंडाधार, फिफ्थ है पिंड पद समरस भाव और श्री नित्य अवधूत योगी। ये इसके 6 अध्याय हैं। तो सबसे पहले जो अध्याय है हमारा पिंडो उत्पत्ति, इसमें जो हमारा पिंड है, जो हमारा शरीर है, उसकी उत्पन्न किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया है। पूरा चैप्टर उसी के बारे में है। ठीक है, सेकेंड है पिंड विचार, इस पिंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसका ज्ञान ये कराता है, क्या क्या चीजें हैं हमारे शरीर में वो है। फिर नेक्स्ट है पिंड संवित, यहाँ पर है और यहाँ पर पिंड का ज्ञान दिया गया है और क्या क्या चीजें जो ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर दी गई हैं उनका विवरण यहाँ पर हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट है पिंड धारा, पिंड धारा में आधार दिया हुआ है, पिंड का जब आधार है उसे कुंडली माना गया है, पिंड आधार मतलब कुंडली के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। हमारे शरीर का जो आधार है वो कुंडली है तो इसका आधार, इसका अर्थ हो गया पिंड आधार। फिर है पिंड पद समरस भाव, मतलब कि जब हम एकता, जैसे हमारा पुरुष और प्रकृति एक हो जाता है उसको यहाँ पर समरस भाव कहा गया है। यहाँ पे पुरुष प्रकृति तो नहीं दिया गया है, मतलब कि जो दोनों का मिलन है उसको ही यहाँ पर समरस भाव या समाधि या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसको ही यहाँ पर पिंड पद समरस भाव कहा गया है। नेक्स्ट है श्री नित्य अवधूत योगी, इसमें जो योगी है योगी के लक्षण किस तरीके से होते हैं, वह किस तरीके से दिखता है और क्या क्या वह कार्य जो करता है उस तरीके से यहाँ पे बताया गया। जैसे हम गीता में हमें पढ़ा स्थित प्रज्ञ जो है उसमें योगी की जो विशेषताएं हैं, और भी हमने टेक्सेस पढ़े हैं उसमें योगी की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह सभी विशेषता यहाँ पर मिलती है अवधूत योगी में। मेरी आवाज और स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना सभी को? जी मैम। ठीक है, तो चैप्टर आ गए आपको समझ में? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आगे पीछे करें तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है, तो इनको अच्छे से आप लर्न कर लेंगे जो भी ये अध्याय है और सीक्वेंस से आपको इनको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये इंट्रोडक्शन है आपका अध्यायों का, हमारे अध्याय जो है, जो हमारा प्रथम अध्याय है इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना किस तरीके से हुई, फिर इसमें पर पिंड का वर्णन आता है, फिर अनादि पिंड, आद्य पिंड, महासागर, महासागर पिंड की 8 मूर्तियां यहाँ पर बताई गई हैं, फिर प्रकृति पिंड बताया गया है, फिर अंतकरण बताया गया है, अंतकरण में हमारे जैसे मन बुद्धि अहंकार उसको लिया यहाँ पे गया है, फिर कुल पंचक यहाँ पर बताए गए हैं, फिर शक्ति पंचक यहाँ पे बताए गए हैं, फिर प्रत्यक्षीकरण पंचक यहाँ पर बताए गए हैं, फिर फर्स्ट अध्याय में ही 5 प्रकार के कर्म हमें बताए गए हैं,
काम बताए गए हैं पांच प्रकार के, चंद्रमाएं हमारे चंद्रमा की यहाँ पे 17 कलाएं बताई गई हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। सूर्य की यहाँ पे 13 कलाएं बताई गई हैं, अग्नि की हमारे पे 11 प्रकार की बताई गई हैं, और जो नाड़ियों के जो द्वार हैं वह यहाँ पे 10 बताए गए हैं। जो हम सभी टेक्स्ट में जो नाड़ियां पढ़ते हैं, जो 10 नाड़ियां हैं उनका वर्णन यहाँ पे कहता है, यहाँ पे उनको द्वार दिखा दिया लिखा गया है। फिर यहाँ पे 10 प्राण जो है वायु की बात की गई है, जो हमारे प्राण है। फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई गई, गर्भ में किस तरीके से होती है, और पुत्र या पुत्री या नपुंसक या विकृत जो जुड़वा है, जो भी गर्भ में जो पुत्र या पुत्री है या नपुंसक है, वो किस तरीके से होता है, वह भी यहाँ पे बताया गया, इसका भी विस्तृत वर्णन यहाँ पर मिलता है। और कुल धातु यहाँ पे 10 प्रकार की बताई गई है। हम और जो हमारे टैक्स है उनमें धातु हम कितने प्रकार की पढ़ते हैं, सात प्रकार। 7 प्रकार की पढ़ते हैं, मगर यहाँ पे एक चीज अलग है, यहाँ पर जो धातु है वह 10 प्रकार की यहाँ पे बताई गई है, तो इसको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जो चीज अलग होती है वही हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो ऐसे सिद्धांत पद्धति में हमारे 10 प्रकार की धातुएं यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और सूर्य की और चंद्रमा की इन अग्नियों को आप अच्छे से कलाओं को याद कर लेना, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, मैम एक बार पुरानी क्या कह रहे हैं? मैम ठीक मुझे लगा आपने स्लाइड बढ़ा दी। नहीं, अभी फर्स्ट अध्याय पढ़ा है, मैं स्पीड के लिए पूछ रही थी, ज्यादा तेज तो नहीं है इसलिए। फिर आपका द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय में आपका नव चक्र, 9 चक्र यहाँ पे बताएं, और कौन से टेक्स्ट में हमारे 9 चक्रों की बात हुई है? ध्यान बिंदु मैम, 9 चक्र की बात, योगराज उपनिषद मैम। हाँ, योगराज उपनिषद में 9 चक्र, हमारे 2 टेक्स्ट हैं जिसमें 9 चक्रों की बातें हैं, और ज्यादातर हमें 6 चक्रों की बात मिलती है। यहाँ पर 2 टेक्स्टों में 9 चक्र की बातें, एक तो सिद्धांत पद्धति में और एक योगराज उपनिषद में। फिर यहाँ पे 16 आधार हैं, 3 लक्ष्य हैं, 5 व्योम, व्योम मतलब हो जाता है आपका आकाश, 5 प्रकार के आकाश दिए गए हैं, और यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन है, तो सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, ठीक है। और 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम, और हमने कहाँ पढ़े थे? गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता में पढ़े थे, वेरी गुड। उनको यहाँ पर क्या कहा गया था? योग चूड़ामणि, योग चूड़ामणि में भी पढ़े थे, तो उनको क्या कहा गया वहां पर? त्रिपुर सुंदरी, ज्ञातव्य, ज्ञातव्य कहा गया है ना, 16 आधार, 5, 3, वहां पर 2 लक्ष्य की बात है, यहाँ पर 3 लक्ष्य की बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय में यहाँ पर 7 पाताल बताए गए हैं। यह सभी चीजें हमारे शरीर के अंदर हैं ज्यादातर, जैसे 7 पाताल है हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ पर इनका वर्णन मिलता है वो बताया गया है। फिर यहाँ पर 21 ब्रह्मांड बताए गए, ब्रह्मांड मतलब हो गया आपके लोक, लोक ब्रह्मांड जो है, लोक लोक भी कह सकते हैं इसे। फिर यहाँ पे 64 वर्ण, 64 या 4 वर्ण यहाँ पर आएगा, 64 प्रकार के वे कह सकते हैं, 4 वर्ण कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर है 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, कितने कितने वर्ण है? 64, 64 वर्ण है, 4 लिख लीजिए, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन, चलिए इसको मैं कल क्लियर कर दूंगी। 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, यहाँ पर जो नदियां हैं नदियों को यहाँ पर नाड़ियां भी बोला गया है, जहां हमें और नाड़ियों का वर्णन मिलता है, यहाँ पर नदियों को ही नाड़ियां, नाड़ियों को ही नदियां यहाँ पर कहा गया है। 27 नक्षत्र यहाँ पर मिलते हैं हमें, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 15 तिथियां हैं। ग्रह और राशि का वर्णन हमने और कहाँ पढ़ा है, और कौन से टेक्स्ट में पढ़ा है? गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता में पढ़ा, और शिव संहिता में हमने ये वर्ण दीप इस तरीके से वहां भी पढ़े थे थोड़े बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता में हमने नक्षत्र राशि और ग्रहों के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है फिर चतुराध्याय, चतुराध्याय है यहाँ पे कुंडली के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ पे निजा शक्ति जो है वो 2 प्रकार की यहाँ पे बताई है, कुल और अकुल बताई गई है, और कुंडली के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रभुता और अप्रभुता। और टेक्स्ट में जो है मैं कुंडली एक ही प्रकार की मिलती है, और वहां पे 3.5 लपेटे या हमें गोरक्षनाथ जी के जो टेक्स है उनमें 8 लपेटे बताई गई है, मगर यहाँ पर सबसे अलग टेक्स मिलती है यहाँ पे कुंडली एक, यहाँ पर 2 प्रकार, प्रभुता और अप्रभुता, सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल। जो सूक्ष्म है उसको यहाँ पर कहा गया है
जागृत अवस्था, जो कुंडली की जागृत अवस्था है उसे सूक्ष्म कहा गया है, और जो आपकी सोई हुई कुंडली है उसको यहाँ पर स्थूल कहा गया है, अप्रभुता को भी कहा गया। फिर यहाँ पर शक्ति के तीन प्रकार, जो कुंडली शक्ति है उसके तीन प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अध। तीन प्रकार की यहाँ पर बताए गए कुंडली शक्ति, ऊर्ध्व, मध्य और अध। ठीक है, ये स्लाइड ओके है सभी को? जी मैम। नेक्स्ट है हमारा पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में देख लेंगे, यहाँ पे योग मार्ग के बारे में बताया गया है और पाखंड मार्ग के बारे में बताया गया है। तो जो योग नहीं करते उनको यहाँ पर, जो योग नहीं करते उनके लिए पाखंड वर्ग का यूज किया गया है, मतलब कि यहाँ पे योग करना बहुत ही जरूरी यहाँ पर बताया गया है। जो योग नहीं करता वह पाखंड मार्ग में की ओर जा रहा है, वह यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे गुरु की महत्ता को बताया गया है कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती या हमें योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे साधन क्रम के चार सोपान बताए हैं, मतलब कि हमारी जैसे सीढ़ियां होती है, सोपान मतलब आपके आप सीढ़ियां, तो साधना के क्रम में चार सोपान क्रम बताए गए हैं, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत, ये चार प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट गुरुकुल परंपरा बताई गई है। फिर पांच संतानों के देवता बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये पांच संतानों के देवता बताए गए हैं। यहाँ पे साधना की पांच परंपराएं बताई गई हैं। फिर योग की पांच अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरिया और तुरिया तीतियां बताई गई हैं। और टैक्सोनॉमी में कितनी अवस्थाएं बताई जाती हैं? चार। कौन कौन सी चार होती हैं? कहीं कहीं पर चार और कहीं कहीं पर तीन ही हैं मैम। कहीं कहीं पर तीन है, कौन कौन सी होती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और जिनमें चार बताया गया है उसमें तुरिया। तुरिया, और यहाँ पर एक और चीज ऐड होगी है, तुरिया और तुरिया तीत। इसको भी ध्यान रखेंगे कि सिद्धांत पद्धति में हमारी योग की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, पांच, क्योंकि जो चीज अलग है वह हमारे एग्जाम में आती है। फिर नेक्स्ट है तुरियातीत अवस्था को प्राप्त करने के चार हेतु हैं, चार कारण है जब हम तुरियातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है हमारी, इसलिए इसके चार प्रकार हेतु भी बताए गए इसको प्राप्त करने के लिए। फिर यहाँ पे योगी की वेशभूषा भी बताई गई है और उसकी दिनचर्या का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि योगी की दिनचर्या कैसी रहती है। ये हो गया आपका पंचम अध्याय। फिर है नेक्स्ट आपका षष्ठ अध्याय। षष्ठ अध्याय में अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ पे योगी को अवधूत बोला गया है, तो अवधूत योगी के लक्षण जो होते हैं वह बताए गए हैं। फिर यहाँ पे चार आश्रमों की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तो आपने बहुत बार पढ़ लिए हैं। फिर है त्रिदंडी का यहाँ पर वर्णन मिलता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पांच प्रकार के मकार हैं, जैसे मद, मुद्रा, मीन, मांस और मैथुन, ये पांच प्रकार के मकार यहाँ पे बताए गए हैं षष्ठम अध्याय में। फिर पंच तत्व रात्रि बताया गया यहाँ पर। नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिलता है, किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं इसका भी विस्तृत वर्णन है। अनेक उपासकों का परिचय यहाँ पे बताया गया है, उपासक मतलब जैसे हमारे दर्शन होते हैं कि चार्वाक जी ने क्या कहा है, और जो हमारे और भी जो दर्शन हुए उन्होंने क्या क्या है उनका परिचय भी यहाँ पे दिया गया है। किस शिष्य को ज्ञान दें और किसे ना दें उसका भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ पे चार पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना के लिए बताया गया, चार पुरुषार्थों का भी यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। तो ये हो गया आपका षष्ठम अध्याय। तो ये वाली स्लाइड ओके है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्या कह रहे हैं? ओके दी। ओके चलिए, तो इनमें बाहरी आउटलाइन अपने ने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यहां से लास्ट बार में दो क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है, ये लास्ट टाइम ही आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से षष्ठम अध्याय? षष्ठम अध्याय, षष्ठम अध्याय में। तो इस तरीके से आपको लर्न होना चाहिए कि किस अध्याय में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका षष्ठम, सी इसका ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? चतुर्थ, पंचम, 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 पंचम अध्याय में गुरु या पंचम। सदगुरु, है ना, गुरु के बारे में हमें चर्चा मिलती है, हमारे पंचम अध्याय में चर्चा मिलती है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमसे आ सकते हैं, इसलिए बाहरी जो हमारी आउटलाइन है उसको अच्छे से लर्न करना है सभी ने, ठीक है? मेमी क्वेश्चंस ये पेपर में आए हुए हैं? पेपर में आए हुए हैं, ये तो लास्ट ईयर ही आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, अवधूत योगी वाला। और सिद्धांत पद्धति वाला ये कुछ 1-2 साल पहले वाला आया हुआ क्वेश्चन है। हम प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल दी हुई है, जो भी हमारी जो प्रकार हैं, जैसे निजा शक्ति इसके 5 प्रकार हैं, पराशक्ति इसके 5 प्रकार हैं, अपराशक्ति इसके 5 प्रकार हैं। मैंने बहुत ज्यादा अगर हम अभी करेंगे तो हम पूरा कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया है जो हमारा प्रथम अध्याय है, तो अभी हम इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले सृष्टि की रचना के बारे में बात की गई है। तो सृष्टि की रचना यहाँ पर किसमें? अनामा शक्ति यहाँ पे दी गई है, निजा शक्ति। जो हमारे और टेक्स्ट हैं उसमें क्या मिलती है हमारी उत्पत्ति, किस तरीके से होती है, कोई भी बताए? हम परब्रह्म से अहंकार, अहंकार से फिर पंच ज्ञान इंद्रिय, फिर पंच महाभूत, और फिर त्रिगुणात्मक पिंड, उससे पहले कुछ एक है, और फिर त्रिगुणात्मक पिंड, फिर पंच धातु, सप्त धातु। अहंकार से पहले और अव्यक्त करके भी आता है। हाँ, अहंकार से अव्यक्त से, इस तरीके से बताया गया है। सांख्य में देखे हम तो पुरुष और प्रकृति से आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक शक्ति विराजमान है, तो वहीं पर यहाँ पे जो शक्ति दी गई है उसको यहाँ पर अनामा शक्ति है। अनामा मतलब जिसका कोई नाम ना हो, पर ब्रह्म को भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे जो ब्रह्म है या हमारे जो भी शक्ति है उसको कह सकते हैं, उसको यहाँ पर अनामा बोला गया है, ठीक है, ब्रह्म को या ईश्वर। तो अनामा शक्ति, इसको निजा शक्ति भी यहाँ पर बोला गया, अनामा शक्ति को। तो फिर पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति, ये सारी क्या है, शक्तियां हैं। अनामा शक्ति और इसकी और शक्तियां क्या है, पराशक्ति, अपरा, सूक्ष्म, कुंडली शक्ति। और प्रत्येक के क्या होते हैं, 5-5 गुण होते हैं। जो हमारी निजा शक्ति है इसके भी 5 गुण होंगे, जो पराशक्ति है इसके भी 5 गुण है, अपरा शक्ति के भी 5 गुण हैं, सूक्ष्म शक्ति के भी 5 गुण हैं, और कुंडली शक्ति के भी 5 गुण हैं। तो शक्ति, शक्ति में सबसे पहले आपकी अनामा या निजा शक्ति, उससे उत्पन्न होती है फिर पराशक्ति, पराशक्ति से अपरा शक्ति, और अपरा शक्ति से सूक्ष्म शक्ति, और सूक्ष्म शक्ति से हमारी कुंडली शक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ पर बताए गए। तो टोटल इनके सारे गुण हो गए 25 गुण यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो सभी में 5-5 गुण हमें मिलते हैं। अगर टेक्स्ट कभी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने तत्व वगैरह हैं, फर्स्ट अध्याय में ज्यादातर जो भी चीजें हमें 5-5 यहाँ पर बताई गई हैं, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अनामा शक्ति, अनामा आदि शक्तियों व उनके गुणों से परपिंड शिव की उत्पत्ति हुई है। तो ये कह रहे हैं जो मतलब कि ये जो शक्तियां हैं, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति, इनकी जो शक्तियां हैं या इनके जो गुण है, जो 5-5 गुण है, टोटल जो 25 गुण है, उनसे किसकी उत्पत्ति होती है, हमारी परपिंडी शिव की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। फिर अनामा आदि 5 शक्तियों के अधिष्ठात्र देव यहाँ पर बताए गए। मतलब जो शिव किसकी उत्पत्ति, परपिंडी की, परपिंडी यहाँ पर नाम दिया गया है शिव की उत्पत्ति, इसको शिव भी बोला गया और परपिंड भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ओके, तो अनामा शक्ति से आए ये? हाँ, ये अनामा शक्ति से आए हैं। तो ये अनामा, अनामा, अनामा शक्ति से आपकी आज ये पराशक्ति, पराशक्ति से अपराशक्ति, और सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति, इनके सभी के 5-5 गुण है, तो टोटल हो गए हमारे 25 गुण। तो हमारी अनामा शक्ति और 25 गुण मिलकर हमारा परपिंड की उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में अधिष्ठात्र देव भी हैं, जो निजा शक्ति है, जैसे निजा शक्ति के जो देव हैं वो अपरम है, अपरम पर। फिर जो पराशक्ति है, पराशक्ति के जो देव हैं वो परम पद है, ठीक है। फिर जो अपराशक्ति है, अपराशक्ति के जो देव हैं वो शून्य है। फिर जो सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति के जो देव हैं वो निरंजन है,
और जो कुंडली शक्ति है और जो कुंडली शक्ति के जो देव हैं वह परमात्मा कहलाते हैं। इनके भी सभी के पांच पांच गुण हैं, अपरम के भी पांच गुण हैं, परम पद के भी पांच गुण हैं, शून्य के भी पांच गुण हैं, निरंजन के भी पांच गुण हैं और परमात्मा के भी पांच गुण दिए गए हैं। तो अनामा आदि पांच शक्तियों के पांच अधिष्ठित देव परम परम शून्य निरंजन और परमात्मा है और प्रत्येक अधिष्ठित देव के पांच पांच गुण यहाँ पर विद्यमान बताए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो अपरम देव हैं इनके कितने गुण हैं, तो आपको पता होना चाहिए उनके पांच पांच गुण है सभी के। ठीक है, फिर मैम, मैम एक तरह से अगर देखें जैसे तो ये अनामा आदि शक्तियों वो उनके गुणों से जो पिंड शिव की रचना हुई है परपिंड शिव की, तो एक तरह से 30 गुण मिलाकर के उनकी रचना हुई होगी, पांच तो ये फिर 25 इनके गुण हो गए टोटल। अनामा शक्ति तो सबसे पहले ही है ना, टोटल मिला के पांच होंगे ना आपके, 1, 2, 3, 4 और 5 अनामा शक्ति भी उसी में आ जाती है, अनामा और निजा शक्ति एक ही है। तो मैं मतलब फिर भी टोटल 30 कहे जाएंगे कि 30 गुणों से मिलके रचना हुई है पर नहीं 30 नहीं है 25 है ना कि जैसे अनामा के पांच हो गए, पराशक्ति के पांच हो गए, अपरा के पांच हो गए, सूक्ष्म के पांच हो गए और कुंडली के पांच हो गए, तो टोटल कितने हो गए 25 ही तो होंगे ना, 5, 10, 15, 20, 25 तो 25 हो गए। ठीक है, मैं कि उन इनको भी ऊपर के उनको भी पांच लिया जाएगा। ठीक है तो मैम ये वाली तो याद करने कि इनकी भी शक्तियों के गुण याद करने हैं, गुण अभी अभी करेंगे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अब अगर अभी करने लग जाएंगे तो 200-250 नेम हो जाएंगे, वो भी याद करना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो मैम इस स्लाइड में हमें क्या याद करना है इम्पोर्टेंट, ये सब ये आपको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, ये निजा परा अपरा सूक्ष्मा इनको सीक्वेंस में याद करिए, इनको सीक्वेंस में याद करिए। ठीक है, अपरम परम शून्य निरंजन परमात्मा, स्लाइड मिल जाएंगे, स्लाइड मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है जो अधिष्ठित देव हैं और इनके गुण, इनके भी 25 पांच पांच गुण हैं, इनके गुण मिलकर अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आगे की स्लाइड में देख लेंगे तो पता चलेंगे शक्ति हमारी अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडली, ये इनके देव हैं, अपरम परम पद शून्य निरंजन परमात्मा, और इन सबसे क्या होता है हमारी अनादि पिंड की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट तो मैम यही याद करना है ना, ये शक्तियां याद करनी है। हाँ, शक्तियां याद कर लीजिए अभी। फिर हमने हमारी उत्पत्ति हो चुकी थी अनादिपिंड, अब अनादिपिंड की किससे क्या उत्पत्ति होती है वो देखते हैं। फिर अनादिपिंड से परमात्मा, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश और सोहम भाव की उत्पत्ति होती है और सभी के पांच पांच गुण इन सबसे आद्य प्रकट हुआ है। मतलब जो अनादिपिंड है, अनादिपिंड से हमारा परमात्मा, परमात्मा से प्रबोध, प्रबोध से चित्तोदय, चित्तोदय से प्रकाश, प्रकाश से सोहम भाव प्रकट होता है। सभी के पांच पांच गुण हैं, परमानंद के, प्रबोध के, चित्तोदय के, प्रकाश के और सोहम भाव के। इनके 25 गुणों से और अनादि पिंड से मिलकर हमारा आद्य पिंड बनता है। ठीक है मैम, ये पिंड विंड क्या है ये सर? ये पिंड मतलब कि हमारा जो भी सीक्वेंस चलता है, जहां से ब्रह्म है, ब्रह्म से जो हम चीज उत्पन्न हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, तो ये आद्य पिंड उनके नाम दिए गए। जैसे हमारे उसमें सांख्य दर्शन में है ना 25 तत्व, वैसे ही मिल मिल के बन रहे हैं, वैसे जैसे हमारे सांख्य में पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच महाभूत मिलके बनते हैं, वैसे ही ये मिलके बन रहे हैं। तो यहाँ पर उनके नाम अलग हैं और सभी के बहुत बहुत सारे नाम दिए गए हैं वहां पर। ठीक है, ये आद्य पिंड। फिर आद्य पिंड से आपका महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, सलिल मतलब जल से लिया जाता है, और महापृथ्वी उत्पन्न हुई है, और सभी पंच महाभूतों के पांच पांच गुण हैं और उनसे मिलकर महासाकार की उत्पत्ति हुई है। जैसे हमारा ये वाला चार्ट है वैसी ये वाला चार्ट भी है। जैसे आद्य पिंड से क्या बना, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी, और इनके प्रत्येक के पांच पांच गुण से हमारा महासाकार की उत्पत्ति होती है। फिर जो महासाकार पिंड है इसको यहाँ पर शिव बोला गया है। ठीक है, महासाकार पिंड को शिव कहा गया है। यहाँ पर महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां भी बताई। लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। थैंक यू।
महासाकार जो पिंड है इसको शिव भी कहा गया है। महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। यहाँ पर शिव है, भैरव है, श्रीकंठ है, सदाशिव है, ईश्वर है, रुद्र है, विष्णु है और ब्रह्मा है। तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंस बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिव को बताया गया है, शिव के बाद यहाँ पर भैरव को बताया गया है, और फिर श्रीकंठ है, सदाशिव है, फिर ईश्वर, रुद्र और ब्रह्मा विष्णु है। इन 8ों के द्वारा ही सृष्टि का सृजन पालन और संहार कार्य संपन्न हुआ है। जैसे हमारे और जगह बताए गए 3 देव बताए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बताए जाते हैं, मगर यहाँ पर उसके लिए हमारे यहाँ पर 8 मूर्तियां बताई गई हैं। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, जो सृष्टि की रचना या पालन या संहार में कार्य संपन्न करते हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। ये क्या करते हैं, ये 8ों ही संसार सागर में डूबते उतरते प्राणियों को बंधन मुक्त कराते हैं और सागर से पार करते हैं। ये जो 8 रूप मूर्तियां दी गई है इनको भी सीक्वेंस में आप याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनको क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए, ठीक है। फिर जब लास्ट में आ गया आपका ब्रह्मा, जब ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष रूप से उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर ये बताया गया जो सबसे लास्ट ब्रह्म है, फिर ब्रह्म की दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष रूप उत्पन्न हुआ है, मतलब कि संसार बना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, फिर पंच महाभूतों की, पहले जो हमने पढ़े थे वे हैं हमारे महा महाआकाश, महावायु, इनके आगे लगाता है। यहाँ पे पंच महाभूत ये वाले हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सभी के 5-5 गुण, इनसे सबसे प्रकृति पिंड की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, इससे भी आप समझ सकते हैं। अनाम प्लस थोड़ा स्पीड शक्तियां, हो रहा है मैडम, थोड़ा स्पीड हो रहा है, थोड़ा स्पीड हो रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया सभी का, समझ तो आ रहा है ना सभी को? जी मैम, आ रहा है। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए मैम। हाँ जी, आगे चलें। यस मैम, यहाँ पर एक चार्ट भी बना दिया है, जिस तरीके से हमें अच्छे से हम लेना है। अनामा प्लस शक्तियां, उनके गुणों से परपिंड बना है। अधिताष्टि देव प्लस इसके गुण से अनादि पिंड की रचना हुई है। अनादि पिंड और इसके गुणों से आद्य पिंड की रचना हुई है। आद्य पिंड में पंच महाभूतों गुण से महासाकार की उत्पत्ति हुई है, और पंचभूत और उनके गुणों से प्रकृति पिंड की उत्पन्न हुआ है। फिर ये कह रहे हैं जो हमारे पिंड की, जो हमारे शरीर की जो रचना होती है, उसके लिए हमें जिन स्तरों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, वैसे वह पर जो सबसे पहले दिया था, यहाँ पे पर लिखा ना ये वाला परपिंड, फिर नेक्स्ट से अनादि पिंड, ये आद्य पिंड, महासाकार, फिर प्रकृति एवं गर्भ पिंड से हमें गुजरना पड़ता है। ये सारे सीक्वेंस है, हमें गर्भधारण जैसे वो होता है, या हमारे शरीर जिस तरीके से बनता है उसके लिए यहाँ पे बताया गया। तो ये हमें सीक्वेंस पार करना पड़ेगा, पहले परा, फिर अनादि, फिर आदि, फिर महासाकार, फिर प्रकृति पिंड, फिर गर्भ पिंड, सबसे लास्ट है आपका गर्भ पिंड। भौतिक शरीर जिससे हम परिचित हैं का ये अंतिम स्तर हमारा सबसे क्या हो जाएगा, गर्भ पिंड हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से। तो ये ओके स्लाइड, इम्पोर्टेंट है क्या ये? इम्पोर्टेंट ज्यादा तो नहीं है, मगर कर सकते हैं, आ सकता है कि आद्य पिंड की रचना किस तरीके से हुई। तो आद्य पिंड की रचना हमारे अनादि पिंड से हुई है। ये वाला सीक्वेंस भी आप याद कर सकते हैं, परा, अनादि, आदि, महासाकार, प्रकृति और गर्भ, इससे आसानी हो जाएगी आपको। ये वाला भी याद कर लेंगे आप, परा, अनादि, आदि, महासागर, प्रकृति और गर्भपिंड, ठीक है। मैम सभी के गुण 5-5 ही है ना? सभी के गुण 5-5 है। ओके है, आगे बढ़े। यस मैम।
फिर हम अंतकरण की बात कर लेंगे, और जगह में अंतकरण कितने दिन मिलते हैं? चार, चार मिलते हैं, चार में चार। तो यहाँ पर अंतकरण है, यहाँ पर पांच प्रकार बताए गए हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, और यहाँ पर एक और ऐड हुआ है, ये हमारा चैतन्य है। सभी के पांच गुण बताए गए, मन के भी पांच गुण है, बुद्धि के भी पांच गुण, अहंकार के भी पांच गुण, चित्त के भी पांच गुण, और चैतन्य के पांच, सभी के पांच पांच गुण भी दिए गए हैं। फिर है यहाँ पे कुल पंचक बताए गए हैं, तो यहाँ पर सत्य रजतम जो हमारे तीन गुण होंगे वो आगे आ जाएगा आपकी, और दो और ऐड हो जाएंगे हमारे, काल और जीवात्मा भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और इनके भी पांच पांच गुण है, सत्व के, रज के, तम के, काल के और जीवात्मा के, ठीक है। फिर है शक्ति पंचक, जैसे हम और जो टैक्स है उनमें भी पढ़ते हैं, वहां पे शक्तियों के बारे में पढ़ती है, यहाँ पे पांच बताई गई है और जगह तीन हमें बताई जाती है। यहाँ पर इच्छा है, क्रिया है, माया है, प्रकृति है और वाक है, और यहाँ पर भी सभी के पांच पांच गुण यहाँ पर बताए गए हैं। फिर है प्रत्यक्षीकरण पंचक, वाक माने वाणी, वाणी वाणी, वाणी। प्रत्यक्षीकरण पंचक, इसके भी पांच प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, कर्म है, काम है, चंद्रमा है, सूर्य है और अग्नि, ये इसके पांच यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं प्रत्यक्षीकरण के। फिर यहाँ पे कर्म बताए गए हैं, और टैक्सों में हमें कितने कर्म मिलते हैं? पतंजलि चार, गीता तीन। पतंजलि में चार दिए गए हैं, गीता में तीन दिए गए, यहाँ पर पांच दिए गए हैं, और जो हमारे दर्शन है, दर्शन में भी हमें पांच मिलते हैं, मगर वो दूसरे वाले होते हैं, इसमें दूसरे दिए गए हैं। एक तो शुभ है, अशुभ दिया गया है, यश दिया गया है, अपकीर्ति दिया गया है, और अदृष्ट फल देने वाला यहाँ पर पांचवा कर्म बताया गया है, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति और अदृष्ट फल देने वाला। फिर यहाँ पे पांच काम भी पांच प्रकार के बताए गए हैं। चंद्रमा, चंद्रमा की यहाँ पर 17 कलाएं बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेंगे। यहाँ पे चंद्रमा की 17 कलाएं, सूर्य की 13 कलाएं और अग्नि की यहाँ पर 11 कलाएं बताई गई हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन कि सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूर्य की कितनी कलाएं हैं, तो वो आ जाएगा 13, और चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, तो 17 आ जाएगा, और अग्नि की 11, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। ओके एलिस लाइट, यस मैम, ये जो पांच पांच गुण लिखे हैं आपने, ये जो लिखे हुए हैं यही हैं या मन के पांच गुण हैं, बुद्धि के पांच गुण हैं? मन के भी पांच गुण हैं, बुद्धि के भी पांच गुण हैं, अहंकार के भी पांच गुण हैं, चित्त के भी और चैतन्य के, सभी के पांच पांच गुण हैं। अभी हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसलिए हम ऊपर के ऊपर ही कर रहे हैं, अगर हम अभी सारे करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लर्न नहीं कर पाओगे अभी, इसलिए, ठीक है। यस मैम, ये पेपर में तो इसी में से आएगा ना? अब पेपर का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई है कि जो पेपर में आया है उसको पढ़ाया जाए, और ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि हमारे पास 7-8 से 9 दिन का टाइम हमारे पास है अभी, तो इसके लिए हम जो हमें हम आराम से कर सकते हैं हम वो चीज करेंगे, है ना। हम सारा करने के चक्कर में फिर हम हमारा सब कुछ रह जाएगा, वो नहीं करना हमने, ठीक है। इतना ओके है ना? यस मैम। फिर यहाँ पे नाड़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे नाड़ियों के 10 द्वार बताए गए, या जो हमारी जो नाड़ियां हैं उनके बारे में बताया गया है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, उषा, अलम्बुषा, गांधारी, हस्तजीवा, पुहु और शंखनी, ये 10 नाड़ियों के 10 द्वार भी बताए गए हैं। तो इड़ा हमारा क्या है, नाक में बताया गया है, पिंगला भी हमारी नाक में होती है, सुषुम्ना मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक होती है, जो सरस्वती है वो मुख में होती है, जो पूषा है वो नेत्र में होती है, जो अलम्बुषा है वह भी नेत्र में होती है, जो गांधारी है वह कान में होती है, और हस्तजीविका जो है वह भी कान में होती है, कुहू गुदा में बताई गई है, और शंखनी हमारी लिंग में बताई गई है। ये तो वही है जो हमें और टेक्स्टों में मिलता है वर्णन, वही यहाँ पर बताया गया है। नहीं मैम, गांधारी अलम्बुषा का अलग है मैम, गांधारी आपस में।
क्या कह रहे हैं? गांधारी आंखों से रिलेटेड है मैम, और इधर गांधारी कानों से है, कान से रिलेटेड कर। हाँ नहीं तो आंखों में ना गांधारी, डाया हक लेफ्ट आए गांधारी, राइट आए हस्ती जीवा, पर यहाँ कान आ गए, यहाँ पर अलग आया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम, इसको चेक कर लेना कहीं ऐसा ही तो नहीं है। ऐसे मैं चेक कर लूंगी इसको, समान वायु पिंगला। चक्षु द्वार अलंबुषा, यहाँ पर सही दिया गया है, यहाँ पर कान में ही दिया गया है। कर्ण द्वार से गांधारी और हस्तजीविका बताई गई है, और पूषा और अलंबुषा यहाँ पर नेत्रों में बताए गए। ठीक है, इसमें दया ये बाया का निश्चय से पूछनी है ना? नहीं यहाँ पर नहीं दिया गया है। वाम वाम लिखा गया है, वाम में पूषा है और दक्षिण में आपका अलंबुषा है। वाम में तो लेफ्ट है, दक्षिण बोल तो राइट ना मैम? हाँ राइट। मैम एक बार दोबारा बताना, वाम वाम किसका है? लेफ्ट में है आपकी पूषा और राइट में है आपकी अलंबुषा। कर्ण का सेम ही है, कर्ण दोनों में एक ही है, गांधारी और में राइट लेफ्ट नहीं दिया गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्राण 10 प्रकार के बताए गए हैं। प्राण है, अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म किकल देवदत्त और धनंजय। यहाँ पे ये 10 प्राणों की बात की गई है। तो प्राण जो हमारा हृदय में है, अपान गुदा में, समान नाभि में, व्यान संपूर्ण शरीर में, उदान हमारा कंड और तालु सभी अंगों में, और कूर्म जो है आंख में, और किकल देवदत्त धनंजय का स्थान नहीं बताया गया है। और यहाँ पर क्रिया इनका जो कार्य है वह बताया गया है। जो प्राण का है, श्वास प्रश्वास होता है इसमें, हकार और सकार ध्वनि से ये युक्त होता है। यहाँ पर बताया गया प्राण को, जब हम श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सहेल को बताया गया यहाँ पर। फिर अपान के लिए यहाँ पर अलग चीज बताई गई है, यहाँ पर रेचक पूरक और कुंभक में ये सहयोगी है। यहाँ पर तीनों जो हमारी श्वास की जो विधियां है, रेचक पूरक, उनके बारे में बताया गया। ये चीज यहाँ पर अलग है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। अपान के बारे में अलग चीज यहाँ पर बताई गई है, तो ये क्या करती है, तीनों रेचक पूरक और कुंभक में सहयोगी यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है समान, जो नाभि में है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली आहार एवं रस का पाचन यहाँ पर करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यान, व्यान संपूर्ण शरीर में ही था, ये शोषण और वृद्धि का हेतु है, कारण है, मतलब कि हमारे शोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक है व्यान वायु। फिर जो कंठ और तालु से जो उदान वायु का जो कार्य है, वह निगलना है, वमन है, उल्टी और वार्तालाप जो करना है, वह उदान का कार्य बताया गया। यह भी यहाँ पर अलग दिया गया है इसका कार्य, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर नाग, नाग यहाँ पर सभी अंगों में बताया गया है, सभी अंगों का संचालन के लिए बताया गया है। और जगह नाग के लिए क्या बोला गया है, डकार देता है, डकार देता है, यहाँ पर अलग है, यह सभी अंगों में बताया गया और सभी अंगों का संचालन भी करता है। फिर नेक्स्ट है कूर्म, शरीर में जो कंपन होता है उसके लिए यहाँ पर बताया गया, और पलकों का खुलना व बंद होना यहाँ पर बताया गया है, और शरीर में कंपन ये चीज भी अलग है कूर्म के लिए, तो इसको भी लर्न कर लेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पर क्रिकल में डकार बताया गया है, और भूख का हेतु यहाँ पर बताया गया है क्रिकल को। ठीक है, फिर देवदत्त जमाई का हेतु यहाँ पर बताया गया है। फिर जो धनंजय है, धनंजय नाद प्रकट होने का हेतु यहाँ पर बताया गया है धनंजय को, और जगह हमें मृत्यु के लिए बताया जाता है, मृत्यु के 4 घंटे तक रहता है धनंजय, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर नाद को प्रकट करने के लिए बताया गया धनंजय को, ये भी यहाँ पर चीज अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया नर एवं नारी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, 10 वायु के संपर्क से नर और नारी पिंड की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये जो हमारी 10 वायु, इसमें धनंजय भी अलग है ना? हाँ धनंजय भी अलग है, अपान तो बिल्कुल ही अलग है, और आपका नाग,
नाद बोले तो स्वर स्वर क्या मैम? सभी अंगों का स्वर का जो संचालन। ध्वनि, नहीं नाद, नाद नाद बोले ना, धनंजय, धनंजय का सभी नाद प्रकट होने का हेतु है, जो हमारे नाद हमें नाद सुनाए, बोले तो नाद वही सुनाए सामरी अपन, प्राणायाम में हमें नाद जैसे हाँ नाद सुनाए। सुनता है ना वो। हाँ, नाद जो हमें सुनाई देता है उसके हेतु का कारण बताया गया धनंजय प्राण। ओके मैम, ओके, सभी को जो 10 वायु हैं। आगे चले, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बता देंगे। कुछ पढ़ाते जाओ। फिर यहाँ पे स्थूल शरीर की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है, जो हमारे पहले दिन से लेकर हमारे 9 मंथ तक जो चीजें चलती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। समय और शरीर की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो जो हमारा प्रथम दिन है, मतलब कि यहाँ पे छोटे से छोटे रूप में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे घर चीजें होती हैं। तो प्रथम दिन में क्या होता है, शरीर में कलल की चीज जैसी होती है, जिसे हम जायगोट भी बोल सकते हैं, उस तरीके से प्रथम दिन में कलल की, यहाँ पर कलल बोला गया है। फिर एक सप्ताह में, एक वीक में हमारे जो बुध बुध के रूप में प्रकट होता है, जो गर्भ है। फिर आधे महीने में गोलाकार पिंड हो जाता है वह, जब 15 दिन में वो क्या हो जाता है, गोलाकार पिंड का रूप धारण कर लेता है। फिर एक मास में कठोर पिंड का रूप धारण कर लेता है, कठोर हो जाता है, गोलाकार जो पिंड था वह कठोर हो जाता है। फिर 2 मास में सिर बनता है, तृतीय मास में हाथ पैर बनते हैं, चौथे मास में नेत्र, कान, नाक, मुख, लिंग और गुदा की उत्पत्ति होती है, 5वें मास में पीठ और पेट बनता है, 6ठे मास में नख और बाल उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर विस्तृत रूप से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तृतीय मंथ में क्या क्या शरीर की स्थिति होती है, क्या चीज बनती है, या सिर कौन से मास में बनता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उन आप छोटे में क्या है? नख और बाल, नाखून और हेयर, नेल्स एंड हेयर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट से 7वें मास, 7वें मास में क्या होते हैं, चेतना से युक्त हो जाते हैं, मतलब कि उसमें चेतना आ जाती है। फिर 8वें मास में सभी लक्षणों से वह युक्त हो जाता है, और भी उसमें लक्षण आ जाते हैं सभी प्रकार के। 9वें मास में संपूर्ण ज्ञान से वह युक्त हो जाता है, और 10वें मास में योनि मार्ग से निकले हुए वह अज्ञानी बालक के रूप में जन्म ले लेता है 9वें महीने के बाद। तो यहाँ पर पूरा वर्णन दिया गया है यहाँ पर गर्भ का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर धातु का भार, यहाँ पे 10 धातुएं बताई गई हैं। शरी शुद्ध धातु, जो हम 7 धातुएं पढ़ते हैं उनसे थोड़े से अलग है, और यहाँ पर धातु का मात्रा भी बताई गई है, भार भी बताया गया है। तो सबसे पहले मात्रा यहाँ पे शुक्र बताई गई है, शुक्र के बाद रक्त है, रक्त के बाद मेद है, मेद के बाद मज्जा है। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ओपन है। पुष्पा जी, पुष्पा वो मुरकट का उनका है मैम, शुभ। शुक्र, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, यहाँ पर 3 हमारी, यहाँ पर हमारे जो गुण है वो भी आ जाते हैं। पित्त यहाँ पर दिया गया है, कफ दिया गया है और वात दिया गया है, और 9वें में आपके हड्डी और उनकी संधियां दी गई हैं, और यहाँ पे रोम छिद्र की भी बात की गई है, जो हमारे पोर्स होते हैं उनकी बात भी यहाँ पर की गई है। इनका शरीर में हमारा भार कितना होता है वह भी दिया गया है। तो शुक्र का जो भार है हमारे शरीर में 3.5 पल है, 3.5 मतलब आपके आगे 225 जो ग्राम है वो यहाँ पर बताया गया है, वो इसके बराबर होता है। ठीक है, जो रक्त है, रक्त हमारे 20 पल दिया तो शुक्र हमारा 3.5 पल था, रक्त हमारा 20 पल है उसका भार।
मेड का 12 पल है, मज्जा का 10 पल है, मांस का 100 पल है, पित्त का आपका 10 पल है, कफ का आपका 20 पल है और वात का आपका 20 पल है। हड्डियां और उनकी संधियां 360 यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है, 360 हड्डियों की संख्या संधियां बताई गई हैं। रोम छिद्र की यहाँ पर बताई गई, हमारे शरीर में जो पोर होते हैं वो कितने होते हैं, 3.5 करोड़ यहाँ पर बताए गए। क्वेश्चन बन सकता है किसी सिद्धांत पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में कितने रोम छिद्र होते हैं, तो आ जाएगा आपका 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं। इन 10 धातुओं से शरीर बनता है और इस प्रकार गर्भ में नर नारी रूप पिंड की उत्पत्ति होती यहाँ पर बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। मैम तो ये कुल धातु आ गई आपकी 10 प्रकार की। मैम मैम यहाँ पल का मतलब क्या है? पल जैसे हम उसमें हमने घटी पढ़ा था, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे अच्छा पल दिया गया है। जैसे हम मुहूर्त पढ़ते हैं पल और याम पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे अच्छा करने और उसका यहाँ पर वो भी दिया गया है। जैसे 3.5 जो पल है, 3.5 पल की मात्रा कितनी होगी, 225 ग्राम यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। मैम इसमें 3.5 पल का 225 है कि खाली 1 पल का 225 है? 3.5 पल जी मैम। एक बार दोबारा दिखा दीजिए पीछे स्लाइड, इसके पीछे मैम, ये लास्ट वाला धातुओं का भार। मैम लास्ट वाला रोम छिद्र कितना बताया आपने? ओके 3.5 करोड़। मैम, एक बार और इसके पीछे की भी दिखा देना, वो मंथ का नोट। मैम जो आपने वशिष्ठ संहिता के भी पीछे पीडीएफ दिए थे मैम, ये राहुल सर के कुछ हाथ के लिखे वाले नोट्स थे, पूरे पीडीएफ फॉर्म में नहीं है मैम, क्योंकि जेरोक्स निकालने में थोड़ा सा प्रिंटिंग में हो जाता है। ये क्या कहने? जो जो हाथ से लिखे वाले नोट्स है, इनके अलावा स्लाइड्स नहीं है क्या मैम बनाए वाली पूरी पीपीटी इसकी किसकी? भी, और वशिष्ठ संहिता भी आपने वैसे ही दिया था ना मैम, जेरोक्स में प्रॉपर नहीं आते। अभी तो यही अवेलेबल है, अच्छा मैम ठीक है। ये वाली पीडीएफ हाथ से लिखी भी बोल रहे हैं हम, आपको हाथ से लिखी भी चाहिए या नहीं पीपीटी? नहीं नहीं चाहिए, पीपीटी चाहिए पूरे, पीपीटी बोल रहे हैं मैम। पीपीटी, ये इसकी तो पीपीटी मिल जाएगी इस तरीके से। हम्म, चलें क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद क्लास कर। चलिए बताएंगे इसमें कौन सी शताब्दी का समय है सिद्धांत पद्धति का, दसवीं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे कितने अध्याय इसमें बताए गए हैं, 6 अध्याय सभी टाइप करेंगे, 6 अध्याय के नेम टाइप करें, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है तो अच्छे से लर्न होना चाहिए। लास्ट टाइम हमारे शिव संहिता के अध्यायों के बारे में पूछा गया था, इस बार से सिद्धांतिक के भी आ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे एक साथ बताएंगे, दो दो नहीं लिखने, सारे सीक्वेंस में लिखे। रिचा रिचा जी इसका आंसर करेंगी। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंड आधार, पिंड पद संभाव और नित्य अवधूत। अवधूत की होगी। प्रेरणा दुबे जी आंसर करें। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंड वो एक मिनट, पिंड संवित, पिंडाधार और पिंड समरस भाव और वो अवधूत योगी। होती होगी, वेरी गुड।
चलिए अब मुझे बताएंगे प्रथम अध्याय में हमारी क्या क्या चीजें हैं, इसमें बताई गई हैं, किन किन चीजों का वर्णन है। जितनी आपको लर्न है वो बताएं, जो जो भी हमने पढ़ा है। रश्मि जी, चलिए रश्मि जी आप बताएं। मैम पूरा तो याद नहीं, थोड़ा ट्राई करती हूँ। इसमें सृष्टि की रचना बताई गई है, परपिंड के बारे में बताया गया है, अनादि पिंड, आदि पिंड, महासाकार और पंचक बताए गए हैं, कुल पंचक अंतःकरण के 5 वेद बताए गए हैं, कर्म के 5, काम के 5 और चंद्रमा की 17 दशा कलाएं बताई गई हैं, सूर्य की 13 और अग्नि की 11 और 10 नाड़ी द्वार बताए गए हैं और प्राण 10 बताए गए हैं और फिर जो बच्चा होता है पुत्र पुत्री उसका उसके बारे में बताया गया है और 10 धातुएं बताई गई हैं। 10 धातुएं बताई, चलिए वेरी गुड। सेकंड अध्याय में हमारा क्या क्या बताया गया है, टाइप करें सभी सेकंड अध्याय में। लक्ष्मी साहू जी इसका आंसर करें। जी मैम, इसमें 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम और अष्टांग योग बताया गया। अष्टांग योग बताया गया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट तृतीय अध्याय में हमारा क्या क्या चीजों का वर्णन है। निशा शुक्ला जी इसका आंसर करें तृतीय अध्याय में। मैम मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, भी मैं स्क्रीनशॉट लिया देख के बता दी। अच्छा शालिनी जी, और कौन बताना चाहते हैं, और कौन? 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 15 तिथियां। 15 तिथियां पे बताई गई, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे चतुर्थ अध्याय के बारे में बताएंगे, चतुर्थ अध्याय का किस चीज का वर्णन किया गया इसमें। पूजा गौर जी इसका आंसर करें। निजा शक्ति, 2 तत्व, कुल अकुल, कुंडलिनी 2, प्रबुद्धा अप्रबुद्धा, सूक्ष्म व स्थूल, शक्ति के प्रकार 3, ऊर्ध्व मध्य अधः। ठीक है, वेरी गुड। तो कुंडली के बारे में यहाँ पे बताया गया और पंचम अध्याय में। श्वेता गुप्ता जी बताएं। मैम इसमें रूपम कुराम कुमारी जी बताएं। गुरु मार्ग मैम इसमें योग मार्ग, पाखंड मार्ग के बारे में बताया गया है, गुरु की महत्ता, 4 सोपान, सहज संयम सोपाय अद्वैत, गुरुकुल परंपरा और 5 देवता, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव और साधना की 5 परंपराएं, योग की 5 अवस्थाएं और 5 अवस्थाएं स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय तुरीयतीत, यही है। चलो ठीक है, और छठे अध्याय में हमारे किस बारे में बताए गए। छठे अध्याय में अनीता सिंह जी का आंसर करें। जी मैम,
छठे अध्याय में मतलब अवधूत योगी के योगियों के लक्षण बताए गए हैं। इसमें चार आश्रमों के बारे में बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एंड त्रिदंडी का मतलब वर्णन किया गया है जिसमें पांच प्रकार होते हैं, मद, मुद्रा, मीन, मांस, मैथुन। एंड पंच तत्व के बारे में बताया गया है। नाड़ी शुद्धि का वर्णन किया गया है, नहीं मिलेगा उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। और जो उपासक होते हैं उनका परिचय दिया गया है, और कौन से शिष्य को ज्ञान देना है और किसे नहीं देना है उसके बारे में, और जो चार पुरुषार्थ हैं उसके बारे में बताया गया है, और उनकी कामना का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो इसमें पर ब्रह्म है उसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, जो शक्ति है शक्ति का क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, उसे क्या बोला गया है? अनामा और निजा शक्ति। अनामा और निजा शक्ति, वेरी गुड। अनामा शक्ति से कौन सी शक्ति प्रकट होती है? पराशक्ति, फिर अपराशक्ति, और सूक्ष्म शक्ति के साथ कुंडली शक्ति। इनके कितने कितने गुण होते हैं? पांच पांच गुण होते हैं। जो हमारा अनामा शक्ति है और उसके शक्तियां मिलकर क्या बनाती हैं, किसका निर्माण करती हैं? परपिंड शिव की उत्पत्ति। तो हम मुझे बताएंगे सूक्ष्म जो शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति के देवता क्या कौन से हैं? निरंजन। निरंजन है। और मुझे बताएंगे अनामा शक्ति के देव कौन से हैं? अनामा के अपरम परम। चलिए ठीक है। अब मुझे बताएंगे हमारा जो अनामा शक्ति और अधिराष्ट्रीय जो देव है उनसे मिलकर किस पिंड का निर्माण होता है? पूछना एक बार। अनामा शक्ति राष्ट्रीय देव जो है उनसे मिलकर किस चीज का निर्माण होता है? अनादि पिंड। हमारा अनादि पिंड का है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे जो महासागर जो पिंड है उसकी कितनी मूर्तियां यहाँ पर बताई गई हैं? आठ मूर्ति के। आठ मूर्ति के नाम बता दीजिए। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सूत्र, विष्णु, ब्रह्मा। और किसकी दृष्टि से स्त्री व पुरुष उत्पन्न होते हैं? ब्रह्म की दृष्टि। ब्रह्म की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। अब मुझे बताएंगे अग्नि की कितनी कलाएं होती हैं? ग्यारह। हमारे शरीर में कितने रोम छिद्र हैं? साढ़े तीन करोड़। ठीक। और हमारे शरीर में कितनी धातुओं की चर्चा यहाँ पर की गई है? दस धातु। ठीक। चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। अभी क्लास है कोई? हाँ मैम, थेरेपी वाली है।